चांद उतरा है। अहमद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। इनफैक्ट आप ही हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुझे और हम सबको निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूंगी बात। तुम दोनों का ताल्लुक आज भी उस्ताद और शागिर्द वाला क्यों है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ, बीवी है वो तुम्हारी यार, तुम्हारे बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता है? मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। पर आप गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। और नैना? नैना का अब उतना ही हिस्सा रह गया है जितना कि आप चाहते थे। सादान, कुछ टेक्निकल इशू हैं, उसके लिए सादान की मर्जी है और उसके सिग्नेचर की जरूरत है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का अल्टीमेट वारिस तो सादान ही है। अगर सादान को कुछ हो जाता है तो उसकी बीवी और बच्चे। बीवी और बच्चे, राइट। ठीक है वकील साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं देख लेता हूं, अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ी आपकी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा। ये आपके लिए। थैंक यू सर। हेलो। हाँ अरसलान, मैं आनिया बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम अपने सेल पर देखकर जो खुशी मुझे मिलती है, इतनी खुशी तो कोई नई डील करके भी नहीं मिलती। मैं सादान को फोन लगा रही हूँ बार बार, वो फोन नहीं उठा रहा। कहाँ है वो? अच्छा, तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, तुम्हारा मियाँ है कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा। प्लीज अरसलान, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि सादान मेरा फोन ना उठाए। कहीं आपने उसे कुछ कहा तो नहीं है? मैंने क्या कहना है? मुझे पता लगा है कि वो आपके ऑफिस आया था। अच्छा, तो तुमने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी पूरी फैमिली की? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे बताएं, कहाँ है सादान, क्या हुआ है? हाँ, आया जरूर था, कुछ पैसे चाहिए थे उसे, वो दे दिए मैंने, लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे प्लीज बताएं कि सादान कहाँ है। तुम जानती हो मैं सारी दुनिया से, हर किसी से कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। सादान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठा लेगा, परेशान ना हो। तुम्हें डिनर तो याद है ना वीकेंड का? मेरा फोन भी नहीं उठा। मोहब्बत में शौक या बेवफाई का डर अगर दिल में बैठ जाए तो ऐसे ही होता है। एंजॉय द पेन बेबी। हेलो माय स्वीट बेबी। हेलो।
हेलो। कैसे याद कर लिया? एक बहुत ही खास वजह से। खास वजह? वो क्या? पहले मुझे मिलो, फिर बताऊंगी। मिल भी लेंगे यार, बात तो अभी बता दो। नहीं, अभी नहीं। आज रात हम डिनर बाहर कर रहे हैं और वहीं मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? यस, खुशखबरी। अरसलान, सादान का कुछ पता चला? सादान का? नहीं, क्यों? खैरियत? तब से इंतजार कर रही हूँ उसका, कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। वेरी स्ट्रेंज, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आपने फोन किया था उसे? किया था मैंने फोन, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद बिजी होगा, कॉल बैक कर लेगा, लेकिन कॉल भी नहीं आई। मैंने तो उसके सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। तुम्हारे पास उसके दोस्तों के नंबर है? हाँ, उनकी डायरी में लिखे हुए हैं सबके नंबर। रुको, मैं भी चेक करता हूँ कॉल करके। सादान, थैंक गॉड आप आ गए। ये चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ सादान, जवाब दो ना आखिर। कोई झगड़ा हुआ है किसी से, एक्सीडेंट हुआ है, क्या बात है? नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई। सादान प्लीज बताएं ना, चोट कैसे लगी आपको, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आपके सामने खड़ा हूं। सादान, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं, बस थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। सादान, समरा प्लीज प्लीज बता दो क्या खुशखबरी है, क्यों तड़ पा रही हो यार? खुशखबरी ये है जनाब कि मेरे डैडी तुम्हारी और मेरी शादी के लिए राजी हो गए हैं। व्हाट? क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? वो अभी तक तो मुझसे मिले भी नहीं है। मेरी बात हो गई उनसे और ये काफी है। उन्होंने तो कहा था कि पहले पाकिस्तान आके मुझसे मिलेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। हाँ, उन्होंने पहले ये कहा था, लेकिन अब पाकिस्तान आने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं निकल रहा, तो मेरे इसरार करने पर उन्होंने फैसला कर लिया। मतलब फैसला हो गया? बिल्कुल हो गया है, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त के साथ। शर्त? कैसी शर्त? देखो शफीक, तुमसे मिलने की जो बात मेरे डैडी ने कही थी, वो इसलिए नहीं कही थी कि वो देखना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, कैसे दिखते हो, ये सब तो मैं उनको बता चुकी हूँ। वो तो सिर्फ तुम्हारी सिंसेरिटी चेक करना चाहते थे कि क्या तुम वाकई मेरे साथ सिंसेर हो। फिर ये कि उन्होंने तुम्हारी सिंसेरिटी चेक करने के लिए एक तरीका निकाला है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारा वो घर जिसमें तुम रह रहे हो वो मेरे नाम कर दो, तो
तुम्हें मिले बगैर ही वो तुम्हारी और मेरी शादी का अप्रूवल दे देंगे। क्या हुआ है? तुम नाराज क्यों हो मुझसे? अनिया, मैं आपसे कब नाराज हूं? मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, भला मैं क्यों नाराज होने लगा आपसे? कुछ तो हुआ है, कोई बात तो है, बताओ ना क्या हुआ है? मैंने कहा ना अनिया, कुछ नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। तो फिर इस तरह रूठे रूठे क्यों हो? कोई बात तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई इंसान किसी से इंतहा मोहब्बत करता हो और उसे लगे कि सामने वाला उसे धोखा दे रहा है तो दुख बहुत होता है। धोखा? कैसा धोखा? कौन दे रहा है धोखा? प्लीज सादान, खुलकर बात करो ना। मैंने आपसे कहा ना अनिया, कैसी कोई बात नहीं है, वो तो आपने इतने इंसिस्ट किया तो मैंने कैसी जनरल सी बात कर दी। वैसे आपको ऐसा क्यों लगा कि ये बात मैंने आपके लिए की है? नहीं नहीं तो नहीं ना, जब नहीं ना तो आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, वो बस ऐसे ही। ये तो आप मानती हैं ना कि जो मोहब्बत करते हैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। सादान, थक गया हूं, नींद आ रही है मुझे। What nonsense? पागल हो गया बुड्ढा। मैं उसकी जायदाद पर नजर रखे हुए हूं और वो मुझसे मेरा ही घर छीनता चाहता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ शफी, सब ठीक तो है? हाँ हाँ हाँ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। मैं तो समझ रही थी कि आपको सुबह जल्दी जाना है, तो आप सो चुके होंगे। नहीं, वो नींद नहीं आ रही मुझे। प्लीज एक कप कॉफी का बना दो मुझे। हाँ हाँ बना देती हूँ। शफीक, कोई कारोबारी परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? कहा ना तुमसे कि कुछ भी नहीं है, बार बार पूछ के क्यों परेशान कर रही हूँ मुझे? एक कप कॉफी का बना के ला दो मुझे।
जाएगा। सुला रही थी उसे, इस उम्र के बच्चे को सुला ही सकती, और तो कुछ कर नहीं सकती। अरसलान प्लीज, लाउड नहीं होना, जोर से बोलोगी तो उठ जाएगा, और अगर उठ गया और तुम्हें मुझे इतना करीब देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा। मैंने कहा ना, आनिया, 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 शाहीन, अरे, क्या हुआ शाहीन? इकबाल, वो लोग आनिया के साथ पता नहीं क्या करेंगे, बहुत मुश्किल में इकबाल, कुछ करें। कुछ करे ना। लगता है बहुत बुरा ख्वाब देखा है तुमने। ख्वाब? ख्वाब कहाँ है पल? हकीकत ही तो है। देखा नहीं था आप? हमारी आनिया कितनी अजियत में। कुछ करे ना इकबाल, खुदा के लिए कुछ करे। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा आनिया, तुम हौसला रखो। पल, हमारी आनिया ने बहुत दुख देखे, ऐसा लगता है जैसे वो भेड़ियों में अकेली। अगर अभी सादान उठ गया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया ना, तो इस घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। ऐसा तूफान? क्या घर के किसी कोने में तुम और मैं खड़े होकर बात नहीं कर सकते? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ना तो मैं बच्ची हूं और ना ही आप। अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि किस बात का यकीन नहीं आ रहा। यही कि आप इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं। अभी आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? कल रात जब शफीक घर आए तो काफी परेशान लग रहे थे। किस बात पर? बात ही तो नहीं बता रहे, मगर थे काफी फिक्रमंद और उलझे हुए। मिल भी लेंगे यार, बात तो अभी बता दो। नहीं, अभी नहीं, आज रात हम डिनर बाहर कर रहे हैं और वहीं मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? यस, खुशखबरी। अरसलान, सादान का कुछ पता चला? सादान का? नहीं, क्यों? खैरियत? तब से इंतजार कर रही हूँ उसका, कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। वेरी स्ट्रेंज, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आपने फोन किया था उसे? किया था मैंने फोन, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद बिजी होगा, कॉल बैक कर लेगा, लेकिन कॉल भी नहीं आई। मैंने तो उसके सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। तुम्हारे पास उसके दोस्तों के नंबर हैं? हाँ, उनकी डायरी में लिखे हुए हैं सबके नंबर। रुको, मैं अभी चेक करता हूँ कॉल करके। सादान, थैंक गॉड आप आ गए। ये चोट कैसे लगी है?
कुछ नहीं, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज बताएं कि सादान कहाँ है। तुम जानती हो मैं सारी दुनिया से हर किसी से कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। सादान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठा लेगा, परेशान ना हो। तुम्हें डिनर तो याद है ना वीकेंड का? मोहब्बत में शौक या बेवफाई का डर अगर दिल में बैठ जाए तो ऐसे ही होता है। Enjoy the pain, baby. हेलो माय स्वीट बेबी। हेलो, कैसे याद कर लिया? एक बहुत ही खास वजह से। खास वजह? वो क्या? पहले मुझे मिलो फिर बताऊंगी। ऐसे ही क्या हुआ सादान, जवाब दो ना आखिर। कोई झगड़ा हुआ है किसी से, एक्सीडेंट हुआ है, क्या बात है? नहीं बस थोड़ी सी चोट लग गई। सादान प्लीज बताए ना, चोट कैसे लगी, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आपके सामने खड़ा हूं। सादान, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं, बस थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। सादान, समरा प्लीज प्लीज बता दो क्या खुशखबरी है, क्यों तड़ पा रही हो यार? खुशखबरी ये है जनाब कि मेरे डैडी तुम्हारी और मेरी शादी के लिए राजी हो गए हैं। व्हाट, क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? वो अभी तक तो मुझसे मिले भी नहीं है। मेरी बात हो गई उनसे और ये काफी है। उन्होंने तो कहा था कि पहले पाकिस्तान आके मुझसे मिलेंगे फिर कोई फैसला करेंगे। हाँ उन्होंने पहले ये कहा था, लेकिन अब पाकिस्तान आने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं निकल रहा, तो मेरे इसरार करने पर मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर अहमद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। इनफैक्ट आप ही हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुझे और हम सबको निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूंगी बात,
तुम दोनों का ताल्लुक आज भी उस्ताद और शागिर्द वाला क्यों है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ, बीवी है वो तुम्हारी यार, तुम्हारे बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता है? मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। और नैना? नैना का अब उतना ही हिस्सा रह गया है जितना कि आप चाहते थे। सादान? कुछ टेक्निकल इशू हैं, उसके लिए सादान की मर्जी है और उसके सिग्नेचर की जरूरत है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का अल्टीमेट वारिस तो सादान ही है। अगर सादान को कुछ हो जाता है तो उसकी बीवी और बच्चे? बीवी और बच्चे, राइट। ठीक है वकील साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ी आपकी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा। ये आपके लिए। थैंक यू सर। हेलो। हाँ अरसलान, मैं आनिया बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम अपने सेल पर देखकर जो खुशी मुझे मिलती है, इतनी खुशी तो कोई नई डील करके भी नहीं मिलती। मैं सादान को फोन लगा रही हूँ बार बार, वो फोन नहीं उठा रहा। कहाँ है वो? अच्छा, तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, तुम्हारा मियाँ है कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा। प्लीज अरसलान, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि सादान मेरा फोन ना उठाए। कहीं आपने उसे कुछ कहा तो नहीं है? मैंने क्या कहना है? मुझे पता लगा है कि वो आपके ऑफिस आया था। अच्छा, तो तुमने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी पूरी फैमिली की? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे बताएं, कहाँ है सादान, क्या हुआ है? हाँ, आया जरूर था, कुछ पैसे चाहिए थे उसे, वो दे दिए मैंने, लेकिन